ये अंकल सुबह जगकर सबसे पहले अपने वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और थाली में परोसकर इनके पास लाकर अपने हाथों से खिलाने ही वाले थे, तभी डोरबेल बजता है और ये जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे ही देखते हैं कि बाहर इनकी बिटिया रानी खड़ी है। अपने पापा को देख बिटिया काफी खुश होकर बोलती है, हेलो पापा, कैसे हैं? क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? तो पापा काफी मायूस होकर बोलते हैं, आजकल तुम्हारी माँ न खाना खाती है, न चलती है, न बोलती है, हमेशा रोते रहती है, अब तुम खुद ही समझाओ बेटी, वैसे तुमने खाना खाया या नहीं? तो ये बोलती है, नहीं अभी तक तो नहीं। ये सुन माला खराते हुए बोलती हैं, क्यों नहीं खाया अभी तक? तुम माँ हो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो खा लेना चाहिए ना। तो ये बोलती हैं, हाँ माँ, आज मैं सोच रही थी अपने बच्चे को अपने माँ के हाथों से बने खाना खिलाने को, क्या आप तैयार हैं? और अपनी माँ को किचन में लाती है और इनके हाथों से डोसा बनाकर खुद इनके हाथों से खाती और बोलती है, माँ पापा बोल रहे थे आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया, आप माँ हो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो खा लेना चाहिए ना। ये सुनकर ये सभी रोने लगते हैं। लव यू मॉम डैड लिखना ना भूले।